नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा ही रहना है, घर में रहना है और बिल्कुल पॉजिटिव थिंग के साथ हंसते मुस्कुराते रहना है और पढ़ते जरूर रहना है, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में पूरा टाइम जो आप चाहे वो करिए, बस एक दो घंटे निकाल के पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो फिर कंटिन्यूटी में आने में। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जो अपने पेपर है, जो स्टेट कैलेंडर है, वो ऑलरेडी आ चुका है और एग्जाम्स भी आपके आने ही वाले। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही एग्जाम भी, सारे जो वैकेंसी है वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आज आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का थर्ड लेक्चर, जिस टॉपिक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जी हाँ, या एक्सोक्राइन सिस्टम। आज का जो लेक्चर है आपका साइंस का, वो दोनों लैंग्वेज में होगा। हम मोस्टली टर्म दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। जो आप लोगों की डिमांड है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ओके। आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि लास्ट जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जी हाँ, रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, श्रावित करते हैं। तो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्लैंड। क्या कहा जाता है, ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि कहा जाता है, ओके। अपनी बॉडी में टू टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स, तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड लीवर ग्लैंड, ठीक है। एंड हाँ, पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास ग्लैंड को अपन लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जो आपकी सबसे पहली ग्लैंड है, वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मींस होता है लार ग्रंथि, जी हाँ। इस ग्लैंड का काम क्या होता है, इस ग्लैंड का काम ये होता है कि बॉडी में जो मॉइस्चर होता है, मतलब जो जिसकी वजह से हमारा मुंह, हम बोल पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मुंह एकदम फ्रेश रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होता है। याद रखिएगा, एक जो हेल्दी पर्सन होगा, उस 24 घंटे में कम एक लीटर से डेढ़ लीटर, जी हाँ, 1 लीटर से 1.5 लीटर की जो सलाइवरी बनती है मुंह में, वो बनती है। सलाइवरी होता क्या है, सलाइवरी वाटर होता है सबसे ज्यादा, कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसके काम पे बात कर लेते हैं। जो 1 से 1.5 लीटर क्या करती है, सलाइवरी मुंह में आती है 24 घंटों में एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अगर बात करें कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, तो सलाइवरी ग्लैंड एक टाइलिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करती है, जिसको इंग्लिश हिंदी में भी टाइलिन ही बोला जाता है, जी हाँ, जो डाइजेशन फॉर्म की सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। जब आप लोग डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, तो डाइजेशन सिस्टम में सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होगी कि व्यक्ति ने खाना आया उसके सामने, उसने खाने का सबसे पहला वाइट कहां दिया, मुंह में डाला। तो जो वाइट मुंह में डाला, उसको वाइट को आप, उसमें स्टार्च होता है, उसमें माल्ट होता है, उस माल्ट को माल्टोज में चेंज करने का जो काम होता है, वो किसका होता है, टाइलिन एंजाइम का, जी हाँ। डाइजेशन प्रोसेस जो कि मुंह से स्टार्ट हो जाती है, वो सबसे पहला काम होता है आपका टाइलिन एंजाइम का, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। सेकेंड आपका जो पॉइंट है, वो है मेमोरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं स्तन ग्रंथि, जी हाँ। जैसे जो जितनी भी मेमोरिलियन क्लास है, मेमोरिलियन क्लास या स्तनधारी जो क्लास है, उन सभी में मेमोरिलियन मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है, जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है, उसमें माँ जो भी खा रही होती है, वो सब कुछ, एक प्रोटीन जो भी वो खा रही होती है, वो बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उस तक पहुंचाने का काम इस मेमोरी ग्लैंड का होता है, जिसे अपन लोग एक प्रोसेस बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस, के थ्रू जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको जो खाना, जो न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाए जाते हैं, वो जो इस ग्लैंड के थ्रू, सॉरी, इस ग्लैंड के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, ओके। तो ये आपके किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग में काम करती है, जो माताएं बच्चों को कराती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके किसमें, मेमोरिलियन क्लास के सभी लोगों में पाई जाती है, सब मेमोरियल क्लास में एक ग्लैंड पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो, स्वीट ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और
स्वीट ग्लैंड की अगर अपन लोग बात करें तो स्वीट ग्लैंड का काम क्या होता है कि बॉडी में जो ज्यादा से ज्यादा जो पानी होता है तो पानी में आपके वाटर में आपके नाइट्रोजन एंड सॉल्ट फॉर्म में उसको बॉडी से जो स्किन होती है जो स्वीट ग्लैंड होती है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं तो उसी के फॉर्म से क्या करना है उसे बाहर निकाल लेना। जी हाँ, अगर स्वीट ग्लैंड एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी में सबसे ज्यादा स्वीट ग्लैंड कहाँ होती है तो बॉडी में सबसे ज्यादा स्वीट ग्लैंड आपके पाम में यानी हथेली में पैरों के तलवों में गाल में और आंखों के पास सबसे ज्यादा स्वीट ग्लैंड होती है। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा आप लगा दीजिए बिना सोचे समझे कि स्वीट ग्लैंड बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ओके, जिसको पसीना ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है आपका लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है आपके उसको हिंदी में अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। जी हाँ, हमारी आंखों से जो आंसू निकलने की प्रोसेस होती है वो इसी ग्लैंड के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग बात करें लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड का सबसे अच्छा काम क्या होता है, आपका जो गॉल ब्लैडर होता है या फिर आपका जो विले जूस होता है जिसको आप लोग हिंदी में पित्त रस कहते हैं, जो इसी की वजह से इसी लीवर ग्लैंड में ही होता है ये, और ये आपके डाइजेशन फॉर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ आपकी पेनक्रियास ग्लैंड जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी अपन लोगों ने कि इसकी प्रोसेस क्या है, हमने बताया था पेनक्रियास आल्सो नोन एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स दोनों ही रिलीज करती है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड या मिक्सचर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो ये ग्लैंड है ये आपका जैसा कि हमने बताया था ये करती है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या, कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि डाइजेशन सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है, जब हमारा जो खाना जो हम खाते हैं वो लीवर ग्लैंड से बाहर आता है तो फिर पेनक्रियास ग्लैंड है और पेनक्रियास ग्लैंड ट्रिप्सिन हार्मोन्स एंजाइम रिलीज करती है और ये हमारे खाने में जो पेप्टॉन्स फॉर्म में इसके पास खाना आता है वो पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड में चेंज करती है। जी हाँ, ट्रिप्सिन थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों को जिसने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रखा होगा उसको तो बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं आऊंगा तो कोई बात नहीं, पर लोगों को नॉर्मल याद करना है क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आएगा तो उसमें हम बहुत इजी हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की नींद नहीं है, आराम से सुनिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है तो खाने जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं उसमें एक स्टेप ऐसा आता है कि पूरा जो खाना है वो पेप्टॉन्स में एक पेप्टॉन्स के फॉर्म में आता है तो उस पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा है कि जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड है एक किस चीज को एक कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है? इंसुलिन। और एक कौन सी सेल करती है? बीटा सेल। जी हाँ, बीटा सेल आपके इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करती है पेनक्रियास का। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। ओके, कर दिया करिए कमेंट। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत स्मॉल सा पार्ट है हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है या कौन सा किस में फॉर्म करती है, क्या चीज है, तो ये सब क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। एक दो नंबर का तो आपका इंपॉर्टेंट होता ही है। नेक्स्ट है इसके फंक्शन, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, तो आइए समझते हैं। पहला, इसका रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, इसका काम क्या है, क्योंकि हमने अभी हाल ही बताया स्वीट ग्लैंड कहां गई आपकी, ये है स्वीट ग्लैंड क्या करती है, बॉडी से जो वाटर है उसमें सॉल्ट और नाइट्रोजन के फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कंट्रोल। तो एक्सोक्राइन सिस्टम का पहला काम क्या होता है, काम होता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स क्या होता है, स्नेह। इसका नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है हेल्प इन डाइजेशन, जैसा कि अभी हाल ही अपन लोगों ने पढ़ा है, टाइलिन एंजाइम एंड लीवर ग्लैंड, ये दोनों ही आपके डाइजेशन फॉर्म में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, तो इसका एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, किसमें, डाइजेशन में, और हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जी हाँ, प्रजनन में भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, जैसे आपका मेमरी ग्लैंड है या फिर इससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड होती है जो कि इनके नाम नहीं होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है वो, और उनमें रिप्रोडक्शन में भी काम करती है, और लैक्टेशन, यही आपकी मेम्ब्रेन ग्लैंड जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग से
रिलेटेड होती है, तो ये सारे इसके फंक्शन फंक्शन मतलब पाचन में मदद करना, हेल्प इन रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन में मदद करना, तो ये सब इनका एक्सोक्राइन सिस्टम का क्या होता है, पार्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप लोग प्लीज हमें कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ आपकी डिमांड पे ही काम होगा, अगर आप लोगों ने डिमांड की है तो उसमें हमने हिंदी भी डालने की कोशिश करी है। और धन्यवाद।